नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 22 जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में होगा सुधार। सीएम की समाधान यात्रा आज नालंदा में। बिहार में दस्तक देगा महिला फैब्रिक का नामी गिरामी ब्रांड W। शिक्षक नियोजन को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को दिया निर्देश। वनडे टेस्ट और T20 को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने की भविष्यवाणी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम की समाधान यात्रा आज नालंदा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समाधान यात्रा के दौरान अपने गृह जिला नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने रहुई प्रखंड के उफरौल महादल टोले में ग्रामीण विकास योजना के तहत बने आवासों का निरीक्षण किया और साथ ही सुपसांग पंचायत सरकार भवन के पास जीर्णोद्धार किए गए तालाब और जिले के मुख्य कार्यों की लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने मिर्जापुर गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया और बिहार निंजाय पथ से मुगल कुआं तक निर्मित सड़क का उद्घाटन किया। इसके अलावा नीतीश कुमार कर्पूरी भवन में जीविका द्वारा संचालित नीरा कैफे की शुरुआत के बाद जीविका दीदियों से संवाद किए और ट्रेड के हरदेव भवन में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भी शामिल हुए। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्पॉट नामांकन की अधिसूचना जारी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आरके सिंह के निर्देश पर छात्र कल्याण संकाय के डीन प्रोफेसर एके नाग के द्वारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 2022-25 में स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के खाली बची सीट पर छात्र 23 व 24 जनवरी को फॉर्म डाउनलोड कर संबंधित महाविद्यालयों में नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि राउंड में नामांकन कराने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी और यूजर पासवर्ड का उपयोग करना होगा। बिहार के 22 जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में होगा सुधार। बिहार के 22 जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और गरीब मरीजों के इलाज में कम खर्च हो, इसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन मोहम्मद मशहूद आलम के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि का पूरा खर्च कर सेवाओं की गुणवत्ता बहाल की जाए। राशि का पूरा इस्तेमाल न होने से आगे की प्रस्तावित योजनाओं को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस कार्यशाला का उद्देश्य बिहार के सभी शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम वाले 22 जिलों को शहरी स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ किया जाना है। सरकारी स्कूलों में छात्राओं के शौचालय की कमी को लेकर हाईकोर्ट गंभीर। बिहार के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की कमी को लेकर हाईकोर्ट काफी गंभीर हो गई है। बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ के द्वारा इस मामले पर सुनवाई की गई। इस दौरान पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा हलफनामा दायर कर सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए बने शौचालयों का आंकड़ा दिया, जिसमें यह पाया गया है कि 2000 छात्राओं वाले स्कूल में केवल 2 शौचालय मौजूद है। इसी प्रकार शहर के कई सरकारी स्कूलों में छात्राओं की संख्या काफी अधिक है और शौचालयों की संख्या काफी कम, जिसे लेकर कोर्ट के द्वारा इस मामले पर अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को इस मामले पर सरकार का पक्ष रखने को कहा गया और साथ ही शौचालय की कमी को लेकर एक अलग लोकहित याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया। ई संजीवनी से हर रोज घर बैठे 20,000 मरीज ले रहे हैं डॉक्टरों से परामर्श। लोगों को बार बार डॉक्टरों का परामर्श लेने के लिए अस्पताल न जाना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऑनलाइन ओपीडी सेवा ई संजीवनी की शुरुआत की गई थी। बता दें कि अब लोगों का रुझान ई संजीवनी की ओर काफी बढ़ता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस ऐप की मदद से प्रतिदिन लगभग 20,000 मरीज वीडियो कॉल कर डॉक्टरों से परामर्श लेते हैं। वहीं अब तक इस ऐप की मदद से कुल 25 दिनों में 64,500 मरीज इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेवा का लाभ मरीज सोमवार से शनिवार के बीच सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ले सकते हैं। बिहार में दस्तक देगा महिला फैब्रिक का नामी गिरामी ब्रांड W। जल्दी बिहार में महिलाओं का एक नामी गिरामी ब्रांड दस्तक देने वाला है। बता दे किस ब्रांड का नाम W है, जिसने बिहार आने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल उद्योग विभाग की रणनीति के अनुसार बिहार की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्टर डोज मिल सके, इसके लिए बिहार के बियाडा नियंत्रित क्षेत्रों में छोटी छोटी टेक्सटाइल और लेदर यूनिट को विशेष सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसी के तहत W ब्रांड बिहार आने के लिए इच्छुक है। इसके आने से बिहार की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज को काफी गति मिलेगी। आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन
में होंगे 3 एंट्री एग्जिट गेट। पटना मेट्रो के भूमिगत स्टेशनों के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार फ्रोजर रोड में बनने वाले आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन के लिए 25 से 30 मीटर गहरी और लगभग 1.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट डी वाल का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, ताकि भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के दौरान जमीन की सतह को ढहने से बचाया जा सके। कंक्रीट डी वाल के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने के बाद स्लैब और ट्रैक के काम की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन भारतीय नृत्य कला मंदिर और प्रसार भारती के पास बनेगा, जिसमें 3 प्रवेश और निकास द्वार होंगे। शिक्षक नियोजन को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा अमरेश कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को निर्देश दिया है। दिए गए निर्देश के अनुसार बिहार सरकार को जिला अपीलीय प्राधिकार शिक्षक नियोजन में पीठासीन अधिकारी के रिक्त पड़े पदों को 1 फरवरी 2023 के पहले नियुक्ति कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्य के मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि अपीलीय प्राधिकार शिक्षक नियोजन में अधिकारी के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति करने के लिए सरकार के द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन अब तक उन पदों को भरा नहीं गया है। अब तक 15 राज्यों की पुलिस कर चुकी है बिहार के साइबर ठगों की तलाशी। बिहार में साइबर ठगी ने अपना पांव इतना पसार लिया है कि इन साइबर ठगों को न केवल बिहार राज्य की पुलिस ढूंढ रही है, बल्कि अन्य 15 राज्यों की पुलिस भी इनके पीछे पड़ चुकी है। बता दें कि बीते दिन तमिलनाडु की पुलिस पटना पहुंची। दरअसल साइबर ठगों ने तमिलनाडु में कई लोगों से 33.28 लाख रुपए की ठगी की है। इसी के तहत तमिलनाडु की पुलिस बिहार के पटना पहुंची और इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की। बता दें कि गिरफ्तार लोगों में कटिहार का शमशाद अंसारी, इकबाल अंसारी और पटना के फुलवारी शरीफ का शहबाज शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के साइबर ठगों को पकड़ने के लिए बीते 3 वर्षों में कुल 15 राज्यों की पुलिस बिहार का चक्कर लगा चुकी है। फर्जी दस्तावेज पर जारी हुए 920 सिम कार्ड, 170 प्राथमिकी दर्ज। फर्जी नाम पते और दस्तावेज से जारी किए गए सिम कार्ड से किए जा रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा सभी जिलों के SP को फर्जी सिम कार्ड निबंधन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया था। इस विशेष अभियान के तहत वर्ष 2022 में 920 ऐसे सिम कार्ड को बंद कराया गया जो फर्जी दस्तावेज से जारी किए गए थे। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश भर से कुल 170 प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिलों से सबसे ज्यादा फर्जी सिम कार्ड से जुड़े मामले सामने आए हैं उनमें गया, मधुबनी, नालंदा, भोजपुर, समस्तीपुर, लखीसराय, पटना व जमुई जिला शामिल है। JDU RJD नागालैंड चुनाव में आमने सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी RJD दोनों ही पार्टियां जल्द ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ी नजर आने वाली है। दरअसल नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की चाहत से अपने किस्मत को आजमाने वाली है। इसके अलावा RJD त्रिपुरा और मेघालय की कुछ सीटों पर भी अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के वोटिंग की प्रक्रिया 27 फरवरी को की जाएगी, तो वहीं इसका रिजल्ट 2 मार्च को जारी किया जाएगा। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष ने CM को दी चुनौती। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नालंदा में हुए विकास कार्यों को लेकर चुनौती देते हुए कहा गया कि नालंदा जिले में सारी योजनाओं में प्राकलन राशि और किए गए खर्च में भारी अंतर है। उन्होंने कहा कि नालंदा में प्राकलन घोटाला हुआ है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि मैं नीतीश कुमार को चुनौती देता हूं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो इसकी जांच करा ले। नल जल योजना के तहत बिहार के 80% जगहों पर पानी नहीं आती है। अगर मुख्यमंत्री रैंडम तरीके से किसी गांव में जाकर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें कितना घोटाला हुआ है। तेज प्रताप के सरकारी कार्यालय से फर्नीचर गायब। बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी कार्यालय अरण्य भवन से लाखों का फर्नीचर गायब हो गया। मिली जानकारी के अनुसार इस फर्नीचर को सरकारी कार्यालय में लगाया जाना था, लेकिन अब यह फर्नीचर यहां मौजूद नहीं है। तेज प्रताप यादव के सहायक मिशाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में ठेकेदार बबलू सिंह का नाम सामने आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और फर्नीचर गायब करने वालों को ढूंढा जा रहा है। वहीं गायब हुई फर्नीचर की कीमत लाखों में बताई गई है। वनडे टेस्ट और T20 को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने की भविष्यवाणी। वनडे क्रिकेट टेस्ट मैच और T20 मैच को लेकर भारत के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम वनडे में कमी देख सकते हैं और सिर्फ T20 और टेस्ट क्रिकेट सामने आएंगे, और शायद ऐसा हो सकता है कि T10 क्रिकेट भी देखने को मिले।
मुझे लगता है कि क्रिकेट काफी विकसित हो रहा है और खूब आगे बढ़ रहा है। आप T20 क्रिकेट को भविष्य के रूप में देख सकते हैं। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि T10 लीग भी होगी जो रैंकों के माध्यम से आएगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वही पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनुज कुमार, प्रिंस कुमार पीयूष, नुसरत बन्नू, कमलेश शर्मा, नन्नू गोलू कुमार, मृत्युंजय कुमार, उमेश ऋषिदेव, कुमारी संजना, मंटू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, कविता कुमारी, अनवर करीम खान, शंकर मुखिया, कन्हैया कुमार, सदुल्लाह पलवी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की भवनों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।